गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू का लेक्चर नंबर फिफ्टीन जैसा कि आप जानते भी हैं मेरा नाम अजय सर है और ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डी सेंट्रल की ओर से स्टार्ट कराई गई है वैसे मैं तीनों पेपर को पढ़ाता हूँ लेकिन डीवी सेंट्रल में केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ इसलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू और लेक्चर नंबर फिफ्टीन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन या इसी को बोलते सिंपली कोलाइडल क्या पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन और सिंपली कोलाइड्स तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है या सिंपली कोलाइड्स क्या होता है तो देखिए कोलाइड्स क्या होता है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो साइज होता है सॉल्वेंट के साइज के अप्रोक्सीमेट बराबर होता है ठीक इसी प्रकार सस्पेंशन में पढ़ा था कि सॉल्वेंट का जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है सॉल्यूट के साइज से लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सॉल्यूट का जो साइज होगा मॉडरेट होगा इससे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से तो पड़ेंगे सोल्यूशन इन विच स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड सोल्यूशन मीन्स कहने की मीन्स क्या कि सोल्यूट का जो साइज होगा देखिए क्लियर दिया हुआ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स मींस पार्टिकल्स का जो साइज होगा लाइज इन बिटवीन लाइक करेगा बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कहने के मिस क्या हो गया कि ट्रू सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है दोनों के सोल्यूट पार्टिकल्स का अपना अपना एक साइज होता है ठीक इसी प्रकार कोलाइडल में भी सोल्यूट पार्टिकल्स जो है उसका भी अपना एक साइज है वो साइज जो है ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आती है वही हुआ, सोल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन जो लाइ करता है बिटवीन बीच में दोज ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन के बीच में लाइक करता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स आगे हम लोग देखेंगे ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स दीज मिक्सचर्स अपीयर्स टू बी होमोजनियस क्योंकि साइज क्या है छोटा होता है सस्पेंशन की तुलना में सस्पेंशन की तुलना में साइज क्या होता है छोटा होता है इसलिए दिज मिक्सचर इसलिए इसका जो मिक्सचर होता है अपीयर्स टू बी होमोज़नियस वो एपियर्स होता है लगता है दिखता है होमोज़नियस बट लेकिन एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस लेकिन ये क्या होती है हाइट्रोजीनियस होती है कानमिक आप कह सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो दिखता है होमोजीनियस किंतु एक्चुअली में वो होता क्या है ट्रोजनियस होमोजनियस क्यों दिखता है क्योंकि साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स होता है कोलाइडल सोल्यूशन में तो मॉडरेट होता है बीच में होता है ट्रू सोल्यूशन से ज़्यादा बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है तो आगे देख सकते हैं टू डिस्टिंग्स दैम डिस्टिंग्स मीन्स क्या अलग अलग करना दैम उनको फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन टर्म सॉल इज यूज इन प्लेस ऑफ सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन को आप एक नया वर्ड से यूज कर सकते हैं कौन सा वर्ड है सोल वर्ड है एक नया वर्ड से आप एक नया वर्ड से आप यूज करते हैं सोल को सोल को सॉल को सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन को यदि आपको सूचित करना है इंडिकेट करना है एक नया वर्ड से आप इसका उपयोग कर सकते हैं वो क्या है सोल है क्या है सोल है कोलाइडल पार्टिकल्स दी पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल आर कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल्स मीन्स क्या कोलाइडल सोल्यूशन में खुद देखिए द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल सॉल्व मींस क्या कोलाइडल मीन्स हम लोग क्या लेंगे सोल्यूशन लेंगे सॉल लेंगे सॉल यूज करते हैं किसके लिए कोलाइडल सोल्यूशन के लिए मींस कोलाइडल में जो पार्टिकल्स होता है कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होता है चाहे वो सोल्यूट हो या सोलवेंट हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वी सेड डेट वी से डेड हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट्स एंड कंसिस्टेंट ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन आर नॉट प्रेजेंट इन ए सिंगल फेज मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन में हम जानते हैं दो फेज होता है सॉल्वेंट और सोल्युट क्या होता है सोलभेंट और सोलिट होता है यदि सोल्यूशन का आप बात कीजिएगा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है सोलभेंट और सोल्यूट होता है तो वी से डेट हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स या कॉन्सिचुएंट्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन का जो कंपोनेंट्स होता है या कॉन्सिचुएंट्स होता है आर नॉट प्रजेंट इन ए सिंगल फेज वो सिंगल फेज में प्रजेंट नहीं होता है सिंगल फेज मीन्स क्या वो होमोजीनियस नहीं होता है किसमें कोलाइडल सोल्यूशन में जब होमोजीनियस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हेट्रोजीनियस होगा यदि हैट्रोजीनियस होता है तो निश्चित तौर पे क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अपना अलग अलग क्या होगा बाउंड्री होगा इसको आप आसानी से देख सकते हैं सॉलिड को अलग देख सकते हैं सॉल्वेंट को अलग दे सकते हैं क्योंकि साइज छोट कम हो पर छोटा होने के कारण दोनों को अलग अलग नेग्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं हो सकता है वही लिखा हुआ दी दिस डेट वी से डेट हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट्स एंड कंस्टेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन का जो कंपोनेंट होता है या कंस्टेंट होता है आर नॉट प्रेजेंट इन सिंगल फेज वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है बट किंतु आर एक्चुअली प्रेजेंट इन टू सेपरेट फेज सिंपल सी बात है जब सिंगल फेज में नहीं होगा तो कितनों फेज में होगा टू फेज में एग्जिस्ट करेगा दीज आर कॉल्ड डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम उसको हम लोग क्या बोलेंगे फेज बोलेंगे और डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे क्या बोलेंगे डिस्पर्ज फेज बोलेंगे और डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे देखिए दिस सॉल्यूट लाइ जैसे आप जानते भी हैं सॉल्यूशन है यदि मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है तो एक होगा क्या सॉल्यूट क्या होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्यूशन बस वही चीज दिस सॉल्यूट लाइक मींस सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट हिच हैज बी डिस्पर्ट वो कहलाता है क्या डिस्पर्ट मीन्स सॉल्यूट जो है किसमें सॉल्यूशन में उसको क्या बोलते हैं डिसपर्ड फेज बोलते हैं ध्यान रखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कोलाइडल देखिए सोल्यूशन होता है सिंपली क्या सिंपल था है सोल्यूट और सॉल्वेंट तो कोलाइडल सोल्यूशन के लिए जो सॉल्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्पर्ज बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्पर्ज बोलते हैं वही लिखा हुआ दिस सोल्यूट लाइक कंपोनेंट दिस सोल्यूट लाइक कंपोनेंट हिच हैज बीन डिस्पर्ज उसको क्या बोलेंगे डिस्पर्ज बोलेंगे ये क्या होता है डिस्पर्ज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन ए सोल्वेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्ज फेज मीन्स ये जो मीडियम है जो सोल्वेंट है उस सोल्भेंट में थ्रू आउट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मीडियम में मीडियम मीन्स क्या सोल्वेंट में सोल्वेंट में जो है सोल्यूट है जिसको बोलते हैं डिस्पर्ज फेज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वही लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन ए सॉल्वेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड द डिस्परिट फेज डिस्ट्रीब्यूट मीडियम क्या डिस्ट्रीब्यूट होना मीन एक जगह मतलब रखना डिस्ट्रीब्यूट मीन क्या बराबर रूप से रखना थ्रू आउट इन सॉल्वेंट मीन सॉल्वेंट में लाइक मीडियम मीडियम में इज कॉल्ड द डिस्परिड फेज लोग क्या बोलते है? हैं डिस्परिड फेज बोलते हैं और इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फेज क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फेज बोलते हैं दि सोल्वेंट लाइक मीडियम कहने की मीनस क्या याद कीजिए जस्ट बताया है सोल्यूट होता है सोल्वेंट होता है सोल्यूट को बोल दिया डिस्पॉलिट फेज वही बोल रहा है सोल्वेंट लाइक मीडियम जो सोलभेंट की तरह है सोलभेंट लाइक मीडियम जो सोल्वेंट की तरह है इन विच जिसमें में द डिस्पॉल्ट फेज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स मीन डिस्पॉज्ड फेज जिसमें मीन्स सॉल्वेंट में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्पाल्ड इज कॉल्ड द डिस्पर्सन मीडियम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं और कंटिन्यूस फेज बोलते हैं तो आप कह सकते हैं सॉल्वेंट को सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या कंटिन्यूस फेज फेज बोलते हैं या सोल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं सोल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्ज फेज डिस्पर्ज फेज बोलते हैं या इसी बोलते हैं डिसकिनियस फेज बोलेंगे डिसकंट फेज बोलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन सबसे पहला प्रॉपर्टी है एक कोलाइडल इज ए होमोजनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब कुछ जस्ट बता भी चुके हैं कि कोलाइडल जो होता है दिखता तो हेट्रो हेमोज़नियस है दिखता है एपियर होता है होमोज़नियस एक्चुअल में वो रहता है हाइट्रोजीनियस के रूप में रहता है में इसका दिखने में लगता है होमोजीनियस लेकिन होता क्या है हाइट्रोजीनियस किसमें कोलाइडल सोल्यूशन वो लिखा हुआ एक कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हाइट्रोजीनियस मिक्सचर कोलाइडल सोल्यूशन क्या है एक हैोजीनियस मिक्सचर है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द साइज द साइज में से डायमीटर लेंगे रेडियस नहीं लेंगे साइज डायमीटर लेंगे द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है याद कीजिए कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है लाइज इन रेंज वन से हंड्रेड नाइनोमीटर इन बिटवीन दो जो ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आपको जस्ट पहले बताएँ कोलाइडल सोल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सोल्यूशन से ज़्यादा होता है बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है तो ये लिख सकते हैं साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स लेस देन साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन और ग्रेटर देन साइज ऑफ सस्पेंशन साइज ऑफ सस्पेंशन तो आप कह सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वही लिखा हुआ देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो लेस होता है कम होता है साइज ऑफ ट्रू सोलूशन ट्रू सोल्यूशन के साइज से लेकिन ग्रेटर देन होता है किससे साइज ऑफ सस्पेंशन से साइज ऑफ सस्पेंशन से क्या होता है ग्रेटर देन होता है नेक्स्ट देखिए दे डू नॉट सेटल डाउन वेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स दे से डेट क्वाइट स्टेबल कानी मीन्स क्या यदि कोलाइडल सोल्यूशन है यदि कोलाइडल सोल्यूशन को आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं यदि आप कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो आप कहिएगा डिस्पर्सड फेज जिसको सोल्यूट बोलते हैं और डिस्पर्सन मीडियम जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएगा दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है दूसरे लैंग्वेज कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है सॉल्वेंट और कोलाइडल में जो है सोल्यूट यदि उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो सोल्यूट पार्टिकल्स बोटम में नीचे बैठ जाती है ऐसा पॉसिबल नहीं है सोल्यूट पार्टिकल्स बोटम में नहीं बैठ पाती है इसीलिए हम कह सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो क्या है स्टेबल है कोलाइडल सोल्यूशन जो है स्टेबल है वही लिखा हुआ है कोलाइडल सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल ये क्या है थोड़ा स्टेबल है मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट अलग अलग नहीं बैठता है नेक्स्ट देखिए कोलाइडल्स आर बिग इनफ टू स्केटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल मीन्स क्या जब कोलाइडल सोल्यूशन से होकर याद कीजिए टेंडल इफेक्ट में बताया था आपको जब कोलाइड सोल्यूशन से होकर जब कोलाइडल सोल्यूशन से होकर लाइट को पास करते हैं तो लाइट जो है कोलाइडल पार्टिकल से टकरा के स्केटर कर जाता है छितरा जाता है और वो पाथ जो है विजिबल होता है पाथ क्या होता है विजिबल होता है और दिस स्केटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टेंडल इफेक्ट और बीम के छितराने की प्रक्रिया को ही कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा बीम के चित्राने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं टेंडल इफेक्ट करते हैं क्या देखिए कोलाइडल्स आर बिग इनफ कोलाइडल क्या होता है बड़ा होता है टू एस्केटर ए बीम ऑफ लाइट जो क्या करता है बीम ऑफ लाइट को ही क्या करता है एस्केटर करता है बीम ऑफ लाइट क्या होता है एस्केटर करता है पासिंग थ्रू इट जब वो पास करता है एंड मेक इट्स पाथ विजिबल और पाथ को विजिबल करता है और दिस स्केटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टेंडल इफेक्ट वही जब लाइट सोल्यूशन से होकर पास करने के क्रम छितरा जाती है और पाथ विजिबल हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं टेंडल इफेक्ट बोलते हैं जो पिछले लेक्चर में बताया भी था मैं आपको नेक्स्ट देखिए क्या है कोलाडल पार्टिकल्स पास थ्रू द ऑर्डर फिल्टर आप फिल्टर याद कीजिए आपको बताए भी थे क्या ट्रू सोल्यूशन को यदि आप फिल्टर के द्वारा सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है किंतु जब सस्पेंशन पार्टिकल्स को फिल्टर के द्वारा अलग करना चाहते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आप आसानी से अलग कर सकते हैं वही लिखा हुआ है कोलाइडल पार्टिकल्स पासज थ्रू ऑर्डरी फिल्टर पेपर मीन्स क्या कोलाइडल पार्टिकल्स पासिस थ्रू ऑर्डनरी फिल्टर पेपर मीस एक सिंपल फिल्टर पेपर लेते हैं तो कोलाडल पार्टिकल्स क्या होती है पास कर जाती है मीन्स से डैट इसका मतलब कह सकते हैं कि कोलाडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मीन्स आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा क्या कह सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा कोलाइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं हा जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर कोलाइडल पार्टिकल्स को कहिएगा पास कर दें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है आपको पता होना चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है सेमी पर मेवल मेम्ब्रेन जो है एक पार्ट्स होता है एक पेपर होता है जिससे होकर पांच मिनट के बाद आना पांच मिनट बाद पांच मिनट पांच मिनट के बाद ए नहीं तो चुपचाप इधर रहो कोई दिक्कत नहीं सेमी पर मेम्ब्रेन सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन क्या होता है सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन जो होता है एक पेपर होता है जिससे होकर आप सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो पास कर लेते हैं लेकिन सोल्युट पार्टिकल्स को आप पार नहीं कर पाते हैं इसे वही लिखा हुआ है कोलाइडल पार्टिकल्स जो है देखिए फिर से आप कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू द ऑडिट फिल्टर पेपर क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है वो आसानी से फिल्टर फिल्टर पेपर को पार कर जाती है इसका अर्थ है कि मीन्स से डैट इसका अर्थ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मीनस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा आप कोलाइडल पार्टिकल्स को आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में सेपरेट नहीं कर सकते हैं जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू सेमी पर मेवल मेंब्रेन लेकिन कोलाडल पार्टिकल जो है सेमी पर मेवल मेंब्रेन को ये क्या करती है पास नहीं कर पाती है लेकिन यदि आप चाहते हैं कोलाडल पार्टिकल्स को सोल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में अलग अलग कर दे उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होता है स्पेशल क्या है टेक्निक है यूज टू सेपरेटेड दैट टेक्निक इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होता है एक मेथड होता है देखिए क्या सेंट्रीफ्युगेशन सेंट्रीफ्योगेशन क्या है एक टेक्निक होता है एक मेथड होता है जिस टेक्निक के द्वारा या जिस मेथड के द्वारा आप आसानी से कोलाइडल पार्टिकल्स का जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं उसी हम क्या है? बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई मीन्स खुली आँखों से खुली मीन्स क्या बिना मैक्रोस्कोप का बिना मैक्रोस्कोप का कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल मीन्स खुली आँखों से कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है दोनों का अलग अलग बाउंड्री को आप नहीं देख सकते हैं दोनों के अलग अलग दोनों को अलग अलग पार्ट के रूप में आप नहीं देख सकते हैं क्यों क्योंकि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है बहुत ही कम होता है इन सम केस कुछ केस में दे आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ये सब सिंपली सी बात है जब नेगड आई से नहीं देख सकते हैं लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देख सकते हैं तो है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है अल्ट्रा माइक्रो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके द्वारा, द्वारा कोलाइडल पार्टिकल्स में उपस्थित कोलाइडल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आप आसानी से क्लियरली देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट को मतलब क्या होगा ब्राउनियन मूवमेंट इसको आप डिफाइन कर सकते हैं सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन में कोलाइडल सोल्यूशन में कोलाइड सोल्यूट जो जिग जैग मोशन में क्या करती है मूव करती है जिग जैग मोशन में मूव करती है उसी मूवमेंट को उसी मूवमेंट मूवमेंट को क्या बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं। तो क्या कंटिन्यूस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल कोलाइडल पार्टिकल्स सोल्यूशन। अब देखिए क्या है वेन कोलाइडल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जब आप कोलाइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा जब आप कोलाइडल पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में रखेंगे दे सीन टू बी कंटिन्यूसली मूविंग इन ए जिग पाथ तो आप देख सकते हैं कि कोलाइडल सोल्यूट पार्टिकल जो है सोलवेंट में वो कंटिन्यूस लगातार जिग जैग पाथ में क्या होती है मूव करती रहती है घूमती रहती है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन ऑन उन्नीस सौ अट्ठाईस में सबसे पहले इसको देखा गया है देखिए मूवमेंट देखिए कैसे होता है जैसे मान लीजिए ये क्या है पार्टिकिल्स है ये क्या है ये पार्टिकल्स है सॉल्वेंट है तो ये क्या है जिग जैग इस प्रकार से क्या है मूव करती रहती है कंटिन्यूस मूविंग लगातार घूमते रहता है ये कहिएगा वेट करता है ऐसा नहीं है एक वेट करेगा ऐसा नहीं है एक कंटिन्यूस लगातार घूमते रहता है इस प्रकार घूमता है तो कहने की मिश क्या जब कोलाइडल सोल्यूशन को अल्ट्रासोनिक माइक्रो अल्ट्रासोनिक माइक्रोस्कोप रखा गया तो क्या देखा कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली जिग जैग पाथ में इस पाथ में इसको क्या होता है जिग जैग पाथ जिग जैग पाथ में वो क्या होती है मूव करती है इसी जैग जिग जैग पाथ के मूवमेंट को ही हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं क्या बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं चलिए इसका कुछ पार्ट और रह गया है क्योंकि वीडियो लेक्चर बड़ा होने के कारण इसको पूरा नहीं हो पाया यदि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट है ये क्लॉडल सोल्यूशन नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप प्लीज़ इस वीडियो को दो बार तीन बार पांच बार जरूर अवश्य देखिए और यदि कोई भी डाउट है थोड़ा भी डाउट है आप हमारे नंबर पे तुरंत फ़ोन कीजिए और कोशिश कीजिए डाउट को क्लियर करें क्योंकि आप जानते भी हैं सरकार कब खु कह रही है लॉकडाउन खुलेगी खुलेगी कब खुलेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना बहुत मुश्किल है इसलिए अभी से आप धीरे धीरे आप अपने नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करते रहिए इससे आपके लिए श्योर है फायदेमंद होगी यदि आपको दिक्कत है फिर से बोलना चाहेंगे आप हमारे नंबर पर अवश्य कॉल कीजिए बाय